बादल सागर छे हम सावन सापर से हम सूरत सा चमके हम स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, तो आज आपकी साइंस का जो है सेकंड चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। तो आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, कि न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एट मोर और लेस द सेम क्वान्टिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फूड। कहता जो ह्यूमन बीइंग्स हैं बहुत सालों से जो है वो या तो कम क्वांटिटी में मिकदार में या ज़्यादा मिकदार में क्या खाते थे, या प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट खाते, फूड खाते थे, ठीक है। वंस एग्रीकल्चर स्टार्टेड, जब खेती बाड़ी शुरू होती है तो आवर डाइट बिकेम मोर प्लांट बेस्ड, तो ज़्यादातर हमारी फिर जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट बेस्ड ही हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मेनली सीरियल्स एंड ग्रेन्स, मीजा हम अनाज खाना शुरू करते हैं। फिर दस वी ह्यूमन बीइंग्स आर ओमनिवोर्स, ये सबको पता है कि इंसान जो है वो ओमनिवोर्स में आता है, क्यों, बिकॉज हम प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, ठीक है, और एनिमल्स भी, ठीक है। उसके बाद मीनिंग वी कैन डाइजेस्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, ये मैंने आपको पहले ही समझाया। सो वट हैपन्स टू द फूड वी ईट, जब हम खुराक खाते हैं तो उसके साथ होता क्या है फिर, ठीक है। वियर डज इट गो, वो जब हम इंजेस्ट करते हैं खुराक को तो वो कहाँ जाता है, उसके साथ होता क्या है, ठीक है। ए मॉर्सल ऑफ फूड पॉसिस थ्रू ए नंबर ऑफ ऑर्गन इन अवर बॉडी दैट टूगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल और द डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हम खाने का एक टुकड़ा लेते हैं तो हमारे अलग अलग ऑर्गन से पास होते हुए एलिमेंट्री जो है एलिमेंट्री कैनाल से या डाइजेस्टिव सिस्टम से मतलब चला जाता है, ठीक है, और बनाता क्या, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम। एज इट मूव थ्रू द सिस्टम, जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होता है तो इट इज़ ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंसेस टू हेल्प रिलीज एनर्जी स्टोर्ड इन फूड। तो पहले हम कम्प्लेक्स फूड को हम कम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, तो क्या होता है जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होता है तो वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है और जो उसमें एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी के अंदर बॉडी के सेल्स में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद इंजेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, इंजेक्शन होता क्या है, मैंने आपको पहले भी समझाया कि इंजेक्शन होता क्या है, लेकिन हम पढ़ेंगे ह्यूमंस बीइंग्स के बारे में कि फूड को इंजेस्ट कैसे करते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी वियर द माउथ, तो इंसान सबसे पहले अपने मुंह से खाना लेता है, ठीक है ना। वियर सलाइवा ब्रेक्स ऑन द फूड व्हाइल इट इज च्यूड, जब सलाइवा जो है हमारी फूड के साथ हमारे मुंह में मिक्स हो जाता है तो वहाँ पे जब मींस दैट हमारे मुंह में है जो हमारे दांत है वो उसको खाने को च्यू करते हैं, चबाते हैं, इसलिए ताकि वो स्वेलो होने के लिए ईजी हो जाए, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जो है सलाइवा जो है फूड को ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प करता है व्हाइल इट इज च्यूड। उसके बाद व्हेन द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस इट कैन देन बी स्वेलोड, जब फूड को हम स्मॉलर पीसेस में क्या करते हैं तोड़ते हैं, छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं, सिंपलर वंस बनाते हैं, तो फिर हम उसको निगल लेते हैं। हाउएवर इट ट्रेवल्स डाउन द इसोफेगस टुवर्ड्स द स्टोमिक, तो सबसे पहले फूड पाइप में चला जाता है खाना, जिसको हम इसोफेगस भी कहते हैं। थ्रू इसोफेगस कहाँ चला जाता है, स्टोमिक के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इंजेक्शन के बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में, ठीक है। द मेजर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द स्टोमिक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, कहता कि जो मतलब जो मेजर पार्ट है डाइजेस्टिव प्रोसेस का वो कहाँ होता है, वो स्टोमिक में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। देयर आर टू पार्ट्स द इंटेस्टाइन, अब कहता कि इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट्स हैं, दो, एक है स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरे हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। जैसे कि इनने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया भी है स्टोमिक और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाए हुए हैं। तो आफ्टर डाइजेशन इन द स्टोमिक द फूड इज कॉल्ड काइम, कहता कि जब फूड जब डाइजेशन हो जाती है स्टोमिक में तो फिर हम फूड को काइम कहते हैं। उसके बाद डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होता क्या है,
इवन दो डाइजेशन कंटिन्यूज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब डाइजेशन जो है कहाँ मतलब लगातार मतलब कंटिन्यूसली कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो द मेन जॉब ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो असल में काम है वो है जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना, ठीक है। द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के साथ जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं या सिंगुलर हम विलस भी कह सकते हैं। दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लाइनिंग। जब वो लाइनिंग जो है उस विलाई के थ्रू जो है विलाई के जरिए जो है लाइनिंग का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, मेकिंग एब्जॉर्प्शन मोर सफिशेंट। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो फिर एब्जॉर्प्शन जो है इजीली हो जाती है। बाय द टाइम काइम पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जब फूड जो है डाइजेस्ट हो गया उसके बाद जो फूड बचा उसके बाद जो मींस दैट जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ओनली वाटर एंड मिनरल्स रिमेन टू बी एब्जॉर्ब। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में चला क्या जाए, वाटर और वो मिनरल्स जो एब्जॉर्ब नहीं हुए। उसके बाद इजेशन की बात करते हैं। सॉलिड वेस्ट इज देन स्टोर्ड इन द रेक्टम अंटिल इज इट एक्सट्रैक्टेड वाया द एनस। अब देखो जो फूड एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ डाइजेस्ट भी नहीं हुआ वो कहाँ स्टोर रहता है, रेक्टम में स्टोर रहता है। उसके बाद उसको हम एक्सक्रीट विया एनस जो उसको हम एक्सक्रीट करते हैं तो इसको हम कहते हैं इजेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फिगर मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डायग्रामेटिकली भी पढ़ेंगे हम, तो आगे उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो बच्चों इस एक्टिविटी के पढ़ने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डायग्रामेटिकली भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर दें कि मसल्स कंट्रैक्ट इन वेव्स टू मूव द फूड डाउन द इसोफेगस। जब मसल जो है कंट्रैक्ट हो जाती है नज़दीक नज़दीक हो जाती हैं तो इसलिए नज़दीक होती है ताकि फूड जो है इजिली इसोफेगस से पास हो। द इसोफेगस हैज़ अ वॉल दैट क्लोजेज एंट्री इन टू द विंड पाइप वैन वी ईट फूड। तो इसोफेगस का काम क्या होता है कि जब हम फूड लेते हैं तो उस वक्त जो विंड पाइप है उसको मतलब इज दैट क्लोज कर देती है। क्यों कर देती है कि जब हम जो है ताकि जो फूड जो है विंड पाइप में ना चला जाए, देयर बाय प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। लंग्स में जो है जो फूड है वो वहाँ चला ना जाए, ठीक है। उसके बाद है एक्टिविटी 2.1 एक्सपेरिमेंट ऑन इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन फूड की सलाइवा का जो असर है वो फूड पे क्या पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यू नीड ब्रेड, आपने एक ब्रेड लेना है, वन वाज ग्लास लेनी है, एक पैट्री डिश लेना है, आयोडीन सोल्यूशन लेना है, सलाइवा फ्रॉम योर माउथ लेना है। उसके बाद सलाइवा में जिसको हम सिंपल वे में थूक भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर वन, सबसे पहले आपने क्या करना है, टेक आउट सम सलाइवा फ्रॉम योर माउथ एंड पुट इट इन ए वॉच ग्लास। आपने अपने मुंह से सलाइवा निकालना है उसके बाद उसको वॉच ग्लास पे रखना है। नंबर सेकंड, ब्रेक ऑफ ए लिटल पोर्शन ऑफ ब्रेड एंड टेस्ट इट फॉर स्टार्च। आपने ब्रेड का थोड़ा सा हिस्सा लेना है ताकि आपको पता चले, आपने टेस्ट करना है कि इसमें स्टार्च है या ना है। यूजिंग आयोडीन सोल्यूशन भी लेना है, लेकिन ठीक है इससे पहले भी हमने कुछ एक्टिविटीज पढ़ी हैं। If it turns blue black, अगर इसका कलर जो है ब्लू ब्लैक होता है इस ब्रेड का तो इसका मतलब है कि स्टार्च इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद नंबर थर्ड, नाउ टेक अ पीस ऑफ ब्रेड इन द पैट्री डिश। आपने फिर ब्रेड जब ब्रेड का पीस जो लेना है वो कहाँ रखना है, पैट्री डिश में रखना है। नंबर फोर, पोर अ लिटल सलाइवा ऑन द ब्रेड एंड वॉच। फिर आपने फिर से सलाइवा कहाँ डालना है, ब्रेड और वॉच ब्रेड में एंड वॉच। उसके बाद टेस्ट फॉर स्टार्च अगेन आफ्टर सम टाइम, फिर से आपने स्टार्च को चेक करना है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। ऑन द पोर्शन वेयर सलाइवा वाज पुट, जहां पे आपने सलाइवा डाला वहां पे आपने चेक करना है कि यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। नंबर सिक्स, इट विल नॉट टेस्ट पॉजिटिव फॉर स्टार्च। जब आपने वहाँ पे चेक किया तो आपका जो रिजल्ट आया पॉजिटिव नहीं आया तो इससे हमें पता चलता है दिस शोज दैट स्टार्च हैज बीन कन्वर्टेड टू शुगर बाय एंजाइम इन सलाइवा। ये जो स्टार्च था सलाइवा के अंदर वो कन्वर्ट किसमें हो गया है, शुगर में, किसकी मदद से, एंजाइम्स की मदद से जो कहाँ प्रेजेंट थे, सलाइवा में प्रेजेंट थे। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे
डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। तो आज इतना ही हम रखते हैं, तो कल हम इंशाल्लाह इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर समझ ना आई हो तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करना, और फिर भी ना समझ आए आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपकी कन्फ्यूजन दूर करूँगा, ठीक, करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।